नेता राकेश टिकैत गाजियाबाद पहुंचे हैं, किसानों के धरना स्थल पहुंचे हैं राकेश टिकैत। आपको बता दें कि किसानों की पहली मांग सरकार ने मान ली है। इसके बाद एमएसपी पर राकेश टिकैत ने कानून बनाने की भी अब मांग की है। 29 नवंबर को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और राकेश टिकैत का यह कहना है कि अब एमएसपी पर भी कानून बने। तो एक के बाद एक किसानों द्वारा अपनी मांग को उठाया जा रहा है और राकेश टिकैत अब एक और मांग उठा रहे हैं, एमएसपी पर उन्होंने कानून बनाने की मांग की है। इस बीच हमारे सहयोगी ने इसी को लेकर राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में जो कृषि तीनों कानून हैं उनकी वापसी की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस बीच में आपको गाजीपुर बॉर्डर की एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे राकेश टिकैत जो हैं वो हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस समय बस सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है उसके बारे में क्या? ठीक होगी, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई जी, हाँ ठीक रहा जी। मांग जो है वो लगभग पूरी होती हुई अब दिखाई दे रही है। हाँ पूरी होती दिखाई दे रही है, और भी इशू है वे भी पूरे हो जाए। और उन्होंने जा कागज पत्र मिलने जा भाई पार्लियामेंट से, एमएसपी का भी सवाल है उसके भी साथ की साथ ही कर ले, उसमें भी पता चल जाएगा एमएसपी पे कौन विरोध करता। और तो राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है आपको हमने सुनवाया, किसान नेता राकेश टिकैत आपको बता दें गाजियाबाद पहुंचे हैं, किसानों के धरना स्थल पर वो पहुंचे हैं। किसान नेता ने यहां पर एक और मांग उठाई है एमएसपी पर कानून बनाने की। तो राकेश टिकैत लगातार इसको लेकर मांग उठा रहे थे, अब चूंकि तीनों कानून वापस लेने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, इसके बाद अब उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग उठाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो गाजियाबाद पहुंचे। तो किसानों की पहली मांग सरकार ने मांग ली है और इसके बाद अब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर वो अड़े हैं। 29 नवंबर को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, इस बात को साफ राकेश टिकैत ने कर दिया है। किसानों के धरना स्थल पर जब वो पहुंचे तो कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। इन सब के बीच एमएसपी पर कानून बनाने की अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा विरोध जो किया जा रहा था उसको खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और अब आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से खासतौर पर राकेश टिकैत ने इस बात को साफ किया है कि एमएसपी पर कानून बने और सरकार हमारी ये मांग माने। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश टिकैत लगातार किसानों की मांग को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और कहीं पर महापंचायत कर रहे हैं, कहीं धरने पर बैठ रहे हैं और हर बार अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि एमएसपी पर भी सरकार कानून बनाए और इस मांग को मान ले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानून को रद्द करने और सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर लंबे समय से किसान देश भर में आंदोलनरत हैं। तीन वो कृषि कानून जिसको काला बताया गया किसानों की तरफ से और वक्त वक्त पर तमाम विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट साथ भी यहां पर किसानों को मिलता रहा। आपको बता दें कि जून 2020 में मोदी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों का अध्यादेश लेकर आई थी और उस समय भी इसका विरोध हुआ था। उसके बाद सितंबर में तीनों कानून हंगामे के बीच आखिरकार पास कर दिए गए और उसके बाद से ही लगातार इसका विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार को। 26 नवंबर को पिछले साल आपको बता दें कि पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जम गए और आंदोलन को शुरू किया।
सरकार और किसान संगठनों के बीच हालांकि कई बार बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार किसानों के हिसाब से संशोधन करने को भी तैयार रही थी लेकिन किसान कानून वापसी पर ही अड़े रहे और करीब साल भर से चल रहे इस आंदोलन के आगे सरकार ने अब अपना फैसला सुनाया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का। जहां पर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और अब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। हालांकि किसानों का यह कहना है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस फैसले को लेकर अब सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि चुनावों के दौरान सरकार का ये राजनीतिक स्टंट है लेकिन सरकार का यह कहना है चूंकि इतना लंबा वक्त गुजर गया है और किसान मानने को तैयार नहीं है, किसानों को हम समझा नहीं पाए और इसीलिए फिलहाल के लिए हम कानून को रद्द कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को बैठक के बाद इसको लेकर वो बड़ा फैसला लेंगे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में आजाद मैदान में आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा 28 नवंबर को प्रदर्शन भी करेगा और फिलहाल वो गाजियाबाद यहां पर पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम उनका क्या कुछ रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जतिन गोस्वामी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, लगातार राकेश टिकैत से आप बातचीत करते रहे और बहुत करीब से किसान आंदोलन को आपने कवर किया इतने लंबे समय से, ऐसे में अब जब कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है तो फिलहाल किसानों की प्रतिक्रिया क्या है और सबसे महत्वपूर्ण राकेश टिकैत का इस पर क्या कुछ कहना है क्योंकि वो तो इस बात को साफ कर चुके हैं कि आंदोलन कम से कम खत्म नहीं होगा। जतिन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हमारे सहयोगी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच क्या कुछ किसानों का कहना है यह भी हम आपको बता रहे हैं। किसानों का अब तक प्रतिनिधित्व करते आए राकेश टिकैत वो ये साफ कर चुके हैं कि अभी फिलहाल किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। जतिन, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि 27 नवंबर। किसानों के बीच बैठकर इस बात को लेकर चर्चा की। इंडिया न्यूज ने भी उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जब तक गारंटी के रूप में कानून नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जो है खत्म नहीं होगा। हालांकि जब कैबिनेट से भी मंजूरी मिली तब भी हमने उनकी प्रतिक्रिया ली तो उनका कहना है कि अन्य भी कुछ मांगे हैं जिनको पूरा सरकार करे जिसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में राकेश टिकैत का इस पर क्या कहना है क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर ही तो अड़े थे ना, अब जबकि आज चूंकि बहुत बड़ा दिन है कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है और बावजूद इसके अभी किसान आंदोलन कंटिन्यू होने वाला है। देखिए, उनका ये कहना है कि जो एमएसपी की मांग है वो पहले से की जाती रही है। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब तीनों कृषि कानून की मुख्य मांग थी जिसमें ये वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन दूरी हो गई है जिसके रास्ता पूरी तरह बिल्कुल इसी को लेकर किसान अड़े भी हुए हैं। हालांकि 27 नवंबर को जो बैठक होगी उसके बाद कौन सा बड़ा फैसला लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें होंगे। फिलहाल जतिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।